नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 27 अगस्त 2018 की सारी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अभी 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट डेली प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो आप भी एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। मैं सारी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन से आपका, भारतीय धावक हिमा दास ने 18वें एशियाई गेम्स में महिलाओं की 400 मीटर रेस में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर कौन सा पदक जीता? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, रजत पदक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय धावक हिमा दास ने 18वें एशियाई गेम्स में महिलाओं की 400 मीटर रेस में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिमा दास किस राज्य से संबंधित हैं, तो वो है आपका असम। देश तो आपका भारत है ही, आप जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस अमेरिकी सीनेटर का ब्रेन कैंसर के कारण 25 अगस्त 2018 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रैंड पॉल, जॉन मैककेन, हैरी रीड, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है बी, जॉन मैककेन। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2018 को किसे DRDO का नया अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया? डॉक्टर मोहन सेठी, डॉक्टर एस क्रिस्टोफर, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO के आपके जो नए अध्यक्ष होंगे वो आपके डॉक्टर सतीश रेड्डी होंगे, इससे पहले आपके एस क्रिस्टोफर रे थे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय धावक मोहम्मद अनस आइया ने 26 अगस्त 2018 को एशियाई गेम्स में 45 दशमलव के 69 सेकेंड में पुरुषों की कितने मीटर रेस पूरी कर रजत पदक जीता? 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, या 400 मीटर? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, 400 मीटर। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि अनस आइया किस खेल से संबंधित हैं, तब जाके आपका उत्तर होगा एथलेटिक्स, यानी कि दौड़। नेक्स्ट है आपका, रूसी वैज्ञानिकों ने हाल ही में साइबेरिया के ठंडे वातावरण में मिले विलुप्त किस प्रजाति के घोड़े के बच्चे के 40,000 साल पुराने अवशेष की तस्वीरें जारी की? लीना, आर्गुटेना, कनेट्स, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, लीना। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लीना क्या है, तब जाके आपका उत्तर होगा के विलुप्त घोड़े की प्रजाति। नेक्स्ट है आपका, भारतीय महिला टीम की किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने 23 अगस्त 2018 को T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा खरीद परिषद द्वारा भारत के लिए कितनी राशि के हथियारों एवं रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या है ए, 46,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले बायोफ्यूल विमान का सफल परीक्षण किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये समझ लीजिए कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, या विस्तारा? तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, स्पाइस जेट। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में स्पाइस जेट कंपनी द्वारा भारत के पहले बायोफ्यूल विमान का सफल परीक्षण किया गया। इससे हो सकता है कि किराए में आपका जो किराया लगता है टिकट का, उसमें 15 से 20% की कमी होने की संभावना जताई जा रही है बायोफ्यूल विमान में यूज़ होने से। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने सैन्य अभ्यास किया? नाटो वॉर मिशन 2018, सॉर्क मिलिट्री प्रैक्टिस 2018, SCO पीस मिशन 2018, या डार्क आर्ट्स मिशन 2018? तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, SCO पीस मिशन 2018। नेक्स्ट है आपका, 18वें एशियन
खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए तेजिंदर पाल सिंह। अब ये क्वेश्चंस अगर आपका पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि तेजिंदर पाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तब जाके आपका उत्तर होगा शॉट पुट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला धाविका ने एशियन खेलों की 400 मीटर दौड़ में नए रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता? एम प्रीति, करुणानप्पन, मनीषा भारती या हेमा दास? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है, डी हेमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता? मोहम्मद अनस, फवाद मिर्जा, अजयकांत बिस्वरैया या सुधीर मिश्रा? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है फवाद मिश्रा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि फवाद मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा घुड़सवारी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये रहा आज का ये क्वेश्चंस कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले बायोफ्यूल विमान का सफल परीक्षण किया गया? जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट या विस्तारा? इसका सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।